सलमान खान कह रहे हैं गॉड तुसी ग्रेट हो और विनय पाठक कह रहे हैं ओ माय गॉड। ये तुम क्या कह रही हो श्रुति? अरे देखो सल्लू को गॉड से गुस्सा है और विनय को गॉड से डर है। नहीं देखो सलमान का गुस्सा तो हम सब जानते हैं पर अब विनय को किस पे गुस्सा है? नहीं सलमान से डर है। पूजा रुको तुम्हारा सारा कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देती हूँ। टेक अ लुक एट दिस स्टोरी। सलमान खान और उनके गॉड का रिश्ता बहुत पुराना है। अक्सर फिल्मों में वो अपने गॉड से बातें करते हुए नजर भी आते हैं और उनकी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली उनकी अगली फिल्म है गॉड तुसी ग्रेट हो, जिसमें अमिताभ बच्चन उनके गॉड बने हैं। मगर सलमान खान और अमिताभ बच्चन अकेले नहीं हैं। विनय पाठक और सौरभ शुक्ला भी कुछ ऐसी ही कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं इनकी अगली फिल्म ओ माई गॉड में। इस फिल्म में विनय पाठक बने हैं एक आम इंसान और सौरभ है उनके गॉड। गॉड की भूमिका में वो सब कर रहा हूँ जो एक इंसान सोचता है भगवान के बारे में। बाकायदा स्वर्ग है, स्वर्ग जैसी फीलिंग है, भगवान का घर है, ये रास्ता जो है वो भगवान की तरफ जाता है। मेरे साथ शायद यही हुआ है कि भगवान भगवान ओ माय गॉड करता रहता हूँ। वो अचानक जब प्रकट होते हैं गॉड तो मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और मैं डर के मारे भागने लगा। प्रोमोस में सलमान और उनके गॉड में काफी हद तक एक मजाक मस्ती और दोस्ती जैसा रिश्ता नजर आता है, लेकिन विनय को उनके भगवान से काफी डर महसूस होता है। ये जो आम धारणा है कि स्वर्ग में जाके सब लोग खुश और सुखी रहते हैं, ये धारणा गलत है। आप एक बार स्वर्ग पहुँच के देखिए, बड़ा प्रेशर है स्वर्ग में रह के स्वर्ग मेंटेन करने का। और हमें आदत तो नर्क की है, कचरा फैलाने की आदत है, ट्रैफिक की आदत है, ठीक है, सड़क पे ना चलने की आदत है। तो उन सब आदतों को लेके अब कोई स्वर्ग पहुंच जाएगा तो वहां के नियमों का उल्लंघन तो करेगा ना, इसीलिए डर लगा हुआ। गॉड तुसी ग्रेट हो में सलमान के साथ जहां प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी, वहीं ओ माय गॉड में विनय का साथ देंगे दिव्या दत्ता। लेकिन जहां सलमान से मिलने के लिए अमिताभ धरती पर आते हैं, वहीं विनय पाठक को अपने गॉड से मिलने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है। अब दोनों फिल्में तो काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और इनमें विनय और सलमान को बिग बी और सौरभ शुक्ला के जरिए ही सही, लेकिन भगवान का साथ तो मिला और अब अगर उन पर ऊपर वाले की कृपा एक बॉक्स ऑफिस हिट के तौर पर भी दिखे तो कुछ बात बने। चेतना सिंह, जूम, मुंबई।